मुश्किल से एक शेर है, हमारा यूथ है, फ्यूचर है, लीडर है, ऑलरेडी एक पार्टी खुद चला रहे थे अमीन साहब, तो ने है वो अच्छे, अच्छा इनका अपना तजुर्बा भी है, ग्राउंड जीरो पर यूथ लड़का है जो पार्टी में ज्वाइन किया कल से पीछे है। इस टाइम बड़े दरबार क्यों जन कशीर मंशू गांधरबल का मे बस आजादी ब्रो बस बस डन सर शशि खान सब पुन यार अभी जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, हम सबको पता है कि यहाँ पर एलजी साहब का रूल है और एलजी साहब के रूल में जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से प्री बजट मीटिंग्स हो रही है। प्री बजट मीटिंग के लिए पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टरों को बुलाया जा रहा है, तो उसके माध्यम से जो जो स्टेट में उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेटों को। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल कमिश्नर और प्लानिंग कमीशन, ये दोनों मोस्ट प्रॉब्ली दे विल रिप्रेजेंट आवर यूटी गवर्नमेंट एट दिल्ली। इनके एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि इसमें प्रॉपर तरीके से जो भी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जिसमें कहीं कहीं पर कटौती हो रही है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, उस फाइनेंशियल प्रोसेस को प्रॉपर में रखा जाए। उसके लिए वो सब जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ जो भी बात होगी, अपने यूटी गवर्नमेंट के लिए जो भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बात की जाए। दूसरी बात, हम लोग गुजारिश करना चाहते हैं एलजी साहब से कि अब सर्दियों का मौसम प्रॉपर आने वाला है, जिसको हम लोग मोस्टली कश्मीरी में चिले कलान कहते हैं, चिल बची जिस तरीके से हम लोग कहते हैं, तो अब उस वक्त में हमें बिजली की अब जो कटौती अभी से स्टार्ट हो गई है उससे बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि कश्मीर जैसी जगह में अब वो माहौल तो रहा नहीं कि पहले हम बुखारियाँ जलाते थे, कोयला होता था, लकड़ी होती थी, अब वो सब चीज़ तो फैसिलिटी है नहीं हमारे पास अवेलेबल। अब हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, इसमें बिजली में बहुत अच्छा हुआ पहले से, इसमें कोई शक नहीं है, जो पहले अगर हमारे को एक एक घंटे के बाद कट होता था, अब वो एक घंटे वाला कट नहीं है, अब दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे के बाद। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारे पास अभी सब एवेन्यूज़ है, तो वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन, जब तक बर्फबारी नहीं होती है तब तक हम लोग कम से कम उस पर काम करना स्टार्ट करें, जिससे हमें फैसिलिटी प्रॉपर मिले और फ्यूचर में हम लोग अपने लोगों को यहाँ पर, जितने भी हमारे कश्मीर में पर्टिकुलर सर्दी के एरिया में जितने भी हमारे साथी रहते हैं उनको बेनिफिट्स मिले हैं। हमारी पार्टी का आज के बाद से एक प्रॉपर मेन मिशन, जो हम पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज 10 दिसंबर ऑनवर्ड्स हमारी पार्टी के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एंटी ड्रग मूवमेंट, जो ग्राउंड ज़ीरो पर लोगों को आपके माध्यम से भी आज सिविल सोसाइटी को गुजारिश करेंगे कि वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए, हमारे साथ जुड़े। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन जो ड्रग यहाँ पर, जिस ड्रग की वजह से मेरा यूथ नौजवान जो कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएगा, एक साइड से एक यूथ हमारा निकलता है आईएएस ऑफिसर, दूसरे साइड से अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर माहौल बना रखा है ड्रग माफिया ने जिस तरीके से कंट्रोल कर रखा है, तो हम चाहते हैं कि उसमें आयरन हैंड से प्रॉपरली सख्ती की जाए, जो उसमें इन्वॉल्व हो उसको ना बख्शा जाए, जो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो उनको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है। एक मैसेज देंगे कि हम लोग खाली यहाँ पर पॉलिटिकल सियासत, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वाली सियासत नहीं करने वाले हैं, जो 70 साल से वो 370 35 है, आज़ादी, ग्रेट ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, फिर अपने बच्चों को चीफ मिनिस्टर बनाओ और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, तो हम लोग वो सियासत नहीं करने वाले हैं। हम आवाम की बात को प्रॉपर तरीके से ग्राउंड ज़ीरो पर, जहाँ जो डिफ़िकल्टीज़ है उन डिफ़िकल्टीज़ को टच करने के लिए आए और उस पर काम करने के लिए आए हैं।